के लिए जो अगली तीन टीमें हम लेकर आए हैं। जी हाँ, एक साथ इन तीन टीमों की लेकर आए, क्योंकि इनकी जो क्रिकेट हिस्ट्री है वो थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पैक्टफुल नहीं है, बिल्कुल इम्पैक्टफुल है। कनाडा, जर्सी और फिलीपींस टीम की बात हम करेंगे। ये भी ग्लोबल क्वालिफायर्स 2022 में आपको खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि T20 वर्ल्ड कप का एक क्वालिफायर है, जो फरवरी और मई में आपको नजर आने वाले हैं होते हुए। आज सबसे पहले बात कर लेते हैं आयान, यहाँ पे जर्सी टीम की शुरुआत कर लेते हैं। जर्सी टीम में आपको क्या नजर आता है, पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स और स्ट्रेंथ और वीकनेस इस टीम की क्या नजर आ रही है, अगर मैं आपसे जानना चाहूं, क्योंकि इस टीम के बारे में काफी चर्चा हो रही है, जैसे जितनी युगांडा की हुई है, ये टीम काफी अच्छा करती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए इस टीम में है प्लेयर अच्छे खासे हैं, आपके पास प्लेयर्स अच्छे हैं जर्सी के पास, और जर्सी काफी अंडररेटेड टीम बन आ रही है, और अंडरडॉग जिसे कहते हैं, अंडरडॉग टीम होगी, कुछ ना कुछ जरूर अच्छा करेगी, इसकी हमें उम्मीद तो है, ये जरूर याद रखिएगा, जर्सी कुछ ना कुछ जरूर अच्छा करेगी, शायद आपको ग्लोबल क्वालिफायर्स में बहुत अच्छी टीम नजर आए जर्सी, और हमें उम्मीद कोई उलट फेर भी कर सकते, बिल्कुल हमें उम्मीद है कि जर्सी का जो रिकॉर्ड रहा है पिछले कुछ मैचों से, अपने क्वालिफायर जो उन्होंने खेला था यूरोप क्वालिफायर, उसमें भी उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्म किया, जर्मनी जैसी टीम के खिलाफ बहुत शानदार परफॉर्म किया था, जीते भी थे मैच, तो कहीं ना कहीं जर्सी से उम्मीद तो है काफी। और यहाँ पर अगर मैं पांच मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर्स की बात करूं तो उसके बारे में क्या कहेंगे, वो कौन से की प्लेयर्स? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि पहला नाम जो है वो है बेंजामिन वार्ड, जो कि टीम के लेग ब्रेक बॉलर हैं, काफी इकोनॉमिकल रहते हैं और विकेट टेकर भी है, स्पिनर है, याद रखिए स्पिनर बहुत इफेक्टिव है, चांस मार्क वार्ड के भाई तो नहीं कही, वो भी काफी इकोनॉमिकल रहते हैं, बिल्कुल बेंजामिन वार्ड है और अच्छे हैं। लेकिन दूसरा नाम जो है वो है चार्ल्स प्रचार्ड, ये राइट आर्म मीडियम बॉलर है, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन टीम के लिए काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, साथ में विकेट टेकिंग है, शुरुआत में काफी अच्छी बॉलिंग कराते हैं और शुरुआत में झटके देने के लिए ये टीम के लिए काफी अच्छी अर्ली ब्रेक थ्रूज काफी दिलाते हैं। और तीसरा नाम है जॉन टी चैनर, जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर में थोड़ी बैटिंग करते हैं, टीम के लिए काफी एक्सपीरियंस है, जब से टीम जर्सी बनी है तब से ही ये टीम के साथ है, काफी रन टीम के लिए बना रहे हैं और एक कंट्रीब्यूट देते हैं टीम को, स्ट्रांग मिडिल ऑर्डर जो है वो स्ट्रांग करके रखते हैं, कि इनका विकेट अगर मिला तो सामने वाली टीम को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, ऐसे वो प्लेयर है। चौथा नाम है हैरिसन कार्लियन कार्लियन, जी हाँ हैरिसन कार्लियन ओपनर है टीम के और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, लेकिन कभी कभार कराते हैं, ज्यादा बॉलिंग नहीं कराते, दो तीन ओवर कराते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छे रहते हैं, इनका नाम जरूर आप अपने माइंड में रखिएगा, नजरअंदाज मत करिएगा जर्सी की टीम को, मैं बार बार कह रहा हूँ। पांचवें नाम है डोमिनिक ब्लॉम्पियार्ड, जी हाँ ये वो प्लेयर है जो राइट हैंडेड बैट्समैन भी है और लेग ब्रेक बॉलर है टीम के, वाकई में शानदार है, बैट्समैन अच्छा करते हैं, थोड़ा नीचे आके बैटिंग करते हैं, थोड़े नीचे चौथे पांच राउंड बैटिंग करते हैं और लेग ब्रेक बॉलर, तो स्पिनर आप देखिए अच्छे हैं इनके पास, खासकर मैंने जो आपको नाम बताया था बेंजामिन वार्ड, उन पे नजर जरूर रहे। जी हाँ, तो ये पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। अब जब आप जर्सी का मैच देखेंगे ग्लोबल क्वालिफायर्स में, आपको इन्हीं पांच में से परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे जर्सी के मैचेस में मोस्टली। यहाँ पर अगर हम जान ले इस टीम की स्ट्रेंथ क्या है, मैंने आप मुझे बता रहे थे कि इस टीम की एक स्ट्रेंथ है और एक वीकनेस है, और ये एक और स्ट्रेंथ एक भली एक है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टीम की स्ट्रेंथ, शायद मैं गलत ना हूं, तो आप बॉलिंग कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए बॉलिंग बहुत अच्छी है, अगर मैं नाम लूं यहाँ पे कुछ बॉलर्स का, जैसे हैरी कार्लियन, जी हाँ है वो बॉलर नहीं है, मैं हैरिसन कार्लियन जिनका मैंने अभी नाम लिया, वो ओपनर है, ओपनिंग करते हैं, लेकिन ओवर मैंने आपसे कहा कि वो ओवर भी डालते हैं, तो ये एक नाम गौर, यूरोपियन कंट्रीज के जो प्लेयर्स हैं हमने ज्यादातर ये देखा है, जी हाँ वो ओपनिंग करते हैं, वन डाउन आते हैं और बॉलिंग भी कराते हैं, बिल्कुल हम ये काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं यूरोपियन टीम्स को और हम ये देख रहे हैं, तो उसमें बेंजामिन वार्ड है जो लेग ब्रेक बॉलर है, चार्ल्स प्रचार्ड, तो इस तरीके के काफी अच्छे टीम के पास बॉलर है, हैरिसन कार्लियन जिनका मैंने नाम लिया अभी, ये सब कुछ बॉलर है जो वाकई में अच्छे हैं, टीम के लिए इकोनॉमिकल है। एक सबसे बड़ी बात मैं यहां कहना चाहूंगा कि ये सामने वाली टीम को स्कोर बहुत कम रखते हैं, अभी अपोनेंट मैं मानता हूं कि अपोनेंट इतने स्ट्रांग नहीं है सामने, आप ये बिल्कुल कह सकते हैं, पर जर्मनी टीम इनके मायनों में बहुत स्ट्रांग टीम है, उनको भी इन्होंने 120 या 130 पार नहीं जाने दिया, रोक दिया, इनके बॉलर काफी शानदार है। और सबसे बड़ी बात है, अगर लोग ये सोचते हैं कि इनके सामने बड़ी बड़ी टीमें नहीं आई हैं, तो ये खुद कौन सी बड़ी टीमें हैं, ये भी तो उन्हीं के क्लास में है, अगर आप फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट को इलेवन क्लास का ये कहेंगे नहीं तो बड़े क्लास में जाके फेल हो जाएगा, कैसे फेल हो जाएगा, उसके लिए फिफ्थ क्लास ही बहुत हार्ड है, उसका एज भी तो कम है, माइंड भी कम है, ये सोचने वाली बात है, तो उसमें भी जर्सी इतना अच्छा कर रही है, सामने टीम को कम में रोक दे रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। वीकनेस क्या है इस टीम की जो इसे रोकेगी ग्लोबल क्वालिफायर्स में कुछ खास ना करने? जी हाँ देखिए, बैटिंग मैं कहूंगा, बैटिंग थोड़ी वीकनेस है, बैटिंग में काफी काम करने की जरूरत है,
ओपनर्स हुए, लोअर ऑर्डर हुए, हैरिसन कार्बियन जो ओपनिंग करते हैं, चार्ली ब्रैनन वो भी उनके साथ पार्टनर में आते हैं, जैक ट्राइब जो वन डाउन आते हैं वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, अभी हाल फिलहाल में ही शुरू किया है, लेकिन उनसे उम्मीद है कि टीम को कि थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करें। जी हाँ, कोच ने भी कहा था, मैंने पढ़ा था कि हमें बैटिंग से ज्यादा सुधार करने की जरूरत है, जो जर्सी टीम के कोच रहे हैं इस वक्त, उन्होंने भी कहा है कि हमें थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। और जॉन्टी, जो मैंने एक नाम लिया, जॉन्टी जेनर जो मिडिल ऑर्डर सेकंड डाउन आते हैं, वो बेहतरीन बैट्समैन है इस टीम के, सनसेक्स की तरफ से खेल चुके हैं क्रिकेट और खेलते भी हैं, ज्वाइंट है, वहां पे जाते हैं काउंटी में खेलने के लिए। जी हाँ, तो ये है जर्सी टीम की पूरी रिपोर्ट की अगर हम बात करें। अब बढ़ते हैं दूसरी टीम की तरफ, वो है फिलीपींस। जी हाँ, बहुत ही छोटी क्रिकेट हिस्ट्री है इनकी, सिर्फ 4 T20 मैचेस इन्होंने खेले हैं जिसमें उनको एक जीत दर्ज मिली है, और ये ग्लोबल क्वालिफायर्स में जो क्वालिफायर्स थे, रीजनल क्वालिफायर्स थे, वो कैंसिल होने की वजह से रैंकिंग के बेसिस पर ये पहुंच गए थे ग्लोबल क्वालिफायर्स में, तो आप इन्हें लकी समझ सकते हैं क्योंकि इनको अभी भी परफॉर्म करके दिखाना बाकी है। जी हाँ, एक मैच जीत कर कोई नहीं कह सकता कि नहीं टीम बहुत अच्छी है, इसलिए हमारे पास भी इनसे रिलेटेड ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। फिर भी हम आपको ये बता दें कि प्लेयर्स की बात अगर करें तो प्लेयर्स में ऐसे कोई खास नहीं है, प्लेयर्स में एक ही नाम यहाँ पर सबसे बड़ा निकल के आ रहा है जिसका शायद बैटिंग थोड़ा अच्छा एवरेज था यान, और उसी का नाम मैं चाहूंगा आप ले लें, क्योंकि प्लेयर्स जब मैच ही नहीं हुए, जीते ही नहीं ज्यादा, तो कैसे हम कह सकते। बिल्कुल, वो है डैनियल स्मिथ, इस टीम के वो प्लेयर है जो अच्छे हैं और बॉलिंग भी कराते हैं। बिल्कुल, राइट आर्म मीडियम बॉलर है, 3 विकेट अब तक निकाल चुके हैं 4 मैचों में, और 4 मैचों में करीब 60-70 रन वो बना चुके हैं टीम की तरफ से, कंट्रीब्यूट कर चुके। तो हम कह रहे हैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं है फिलीपींस के बारे में, और फिलीपींस क्वालिफायर में खेल रही है, बहुत अच्छी बात है क्रिकेट के लिए, अच्छी एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस होगा, बस इससे ज्यादा हम नहीं कह सकते, क्योंकि फिलीपींस का जो पीएनजी और वनुआटू के खिलाफ मैचेस खेले हैं उन्होंने, तो ये कहना जल्दबाजी होगी कि क्या करेगी क्या नहीं करेगी। जी हाँ, तो यही हमारा चैनल है, हम कुछ भी ऐसे नहीं कि जबरदस्ती आपको थोपने लग जाए, जब मैचेस ही नहीं खेले, सिर्फ 4 मैच है, 1 जीत है, तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे अच्छा खेल सकती है, कैसे नहीं खेल सकती, कौन कौन प्लेयर्स है, जब उनका टॉप स्कोरर अब तक के 4 मैचों में सिर्फ 60 रन है, तो आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या कोई बता सकता है। केरला टीम की बात कर ले, बहुत बड़ी हिस्ट्री है इनकी, कैनेडा अब जाहिर सी बात है इससे बेटर पोजीशन पे एक वक्त पे थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा पोजीशन खराब है, अब वो एक अच्छी टीम है, T20 की स्टेटस वाली टीम्स है, ऊपर से ग्लोबल क्वालिफायर्स में इस बार है। सबसे बड़ी बात है 5 most important players कनाडा के लिए इस ग्लोबल क्वालिफायर्स में कौन से होने वाले। बिल्कुल, सबसे पहला नाम तो रियान पठान भाई, इनका तो नाम आप सबसे पहले ले लीजिए, इनका नाम सुना है मैंने, कहा था शायद ये ईपीएल खेले हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, ईपीएल में भी थे, और इनका नाम तो आपको लेना होगा, राइट हैंडेड बैट्समैन है, ओपनर टीम के लिए है, और शतक जड़ चुके हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, बहुत तेज खेलते हैं अपनी टीम के लिए। दूसरा नाम नवनीत धालीवाल, जी हाँ नवनीत धालीवाल जो की मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, राइट हैंडेड बैट्समैन है और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, जी हाँ मुझे पता है आप क्यों सुधार है, मेरे ओल्ड स्कूल के प्रिंसिपल सर थे, उनका टाइटल है, चलिए कोई बात। बिल्कुल, तो नवनीत धालीवाल जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर बैटर है टीम के लिए, बहुत अच्छे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं काफी रन भी टीम के लिए, काफी पुराने हैं ये मैं कहना चाहूंगा। तीसरा नाम है रविंदर पाल सिंह, जी हाँ ये राइट हैंड बैट्समैन ये भी है और मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, थोड़ा अभी फॉर्म से ये गुजर रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन इनसे भी थोड़ा सा नजर रखने की जरूरत है, जो हम नाम ले रहे हैं सच में इन पे नजर रखने की जरूरत है, बहुत अच्छे परफॉर्मर है ये टीम के। तीसरा नाम ये, और ये इन पे नजर मत रखिएगा, इनके परफॉर्मेंस पे नजर रखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परफॉर्मेंस पे नजर रखने की जरूरत है। जी हाँ सलमान नजर, ये मैं कहना चाहूंगा कि इस टीम की स्पिन जो है वो थोड़ी अच्छी है, यहाँ पे एक और इनमें बॉलर है साद बिन जफर, लेकिन 5 प्लेयर एक्स्ट्रा है जो है उसमें छठे हैं ये साद बिन जफर, लेकिन सलमान नजर की बात करें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, काफी शानदार है। मैंने इनका अभी कुछ थोड़े वीडियोस भी देखे थे, इनके मैच तो मैं नहीं देख पाया हूँ, लेकिन वीडियो जरूर देखे थे जिसमें काफी अच्छा इनका जो स्पिन है, जो बॉलिंग कराते हैं वो काफी अच्छा है, तो इन पे नजर रहेगी। और डिलॉन हैनिजन, जी हाँ ये है राइट आर्म मीडियम बॉलर, 5वां नाम है हमारे डिलॉन हैनिजन, ये इस टीम के राइट आर्म मीडियम बॉलर है, स्ट्राइक बॉलर है, टीम की तरफ से काफी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हाल फिलहाल जो अभी अमेरिकास क्वालिफायर भी हुए थे उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, और अमेरिका क्वालिफायर्स में सेकंड नंबर पे रही थी ये यूएसए के बाद, तो कनाडा काफी अच्छी टीम नजर आ रही है फिलहाल T20 में अगर हम बात करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी वीकनेस नहीं है, उनकी भी एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस है, आइए समझते हैं सबसे पहले कि इस टीम की स्ट्रेंथ क्या है, उसके बाद वीकनेस पे जाएंगे। बिल्कुल, देखिए इस टीम की स्ट्रेंथ जो है वो बैट्समैन, मैंने आपसे कहा इस टीम की स्ट्रेंथ बैट्समैन है, वाकई में रियान पठान है, नवनीत धालीवाल है और रविंदर पाल सिंह है,
ये तीन इस टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इनका नाम इस अपने मोस्ट प्लेयर्स में भी लिया है, वैल्यूएबल प्लेयर में लिया है, पांच प्लेयरों में इंपॉर्टेंट में। ये तीन आपको चलते हुए जरूर नजर आएंगे, चाहे कनाडा अच्छा कर रहा हो या बुरा भी कर रहा हो। बुरा कर रहा होगा तो शायद कहीं ना कहीं गलती हो रही होगी, लेकिन रन ये लोग जरूर मारेंगे, हमें बिल्कुल ऐसी उम्मीद है। जी हाँ, तो बैटिंग काफी स्ट्रेंथ है यहाँ पर कनाडा की, खास करके ये जो तीन प्लेयर्स हैं ये यूएसपी हैं, कह सकते हैं कनाडा की बैटिंग लाइनअप के बारे में। वीकनेस की अगर बात करूं तो वीकनेस आपको क्या नजर आती है, या फिर अभी इसको स्ट्रेंथ आपको बताना बाकी है? नहीं नहीं नहीं, देखिए स्ट्रेंथ में मैंने आपसे कहा कि सलमान नजर और साद बिन वीकनेस की तरफ दो स्पिनर अच्छे हैं, सलमान नजर साद बिन जफर। और लेकिन अब वीकनेस पे अगर आए तो एक सबसे बड़ी दिक्कत जो है मेरे ख्याल में टीम समझती नहीं है ये बात। मैंने काफी एसोसिएट टीमों में ये देखा है कि बैटिंग ऑर्डर जो है वो एक सिमिलर टाइप में नहीं रहती। मुझे ये बहुत कंप्लेन होती है एसोसिएट टीमों से कि जो बैटिंग ऑर्डर है आप उसको थोड़ा सिमिलर रखिए, सिंपल रखिए, सेम रखिए। ये बहुत सारी टीम्स के साथ है, एक दो ही टीम्स ऐसी होंगी एसोसिएट्स में जो सेम बैटिंग ऑर्डर रखती हो, लेकिन वो कभी एक सीरीज में कोई और, कभी एक सीरीज में कोई और। ऐसे नहीं कि इंजरी की वजह से प्लेयर्स हैं, फिर भी यहाँ एक सीरीज की भी बात नहीं, यहाँ एक एक मैच की बात हो रही है। अगर आप इतने बड़े अभी अमेरिका क्वालिफायर गया, मैंने उसमें देखा कि चलिए अच्छा शायद परफॉर्म खराब किया होगा इसलिए नीचे कर दिया, नहीं ये नहीं है, नहीं कर दिया, पता नहीं क्यों आप इसकी अहमियत नहीं समझ रहे, ये सब ठीक नहीं है। अब आप ये सोचेंगे क्या कि T20 से बाबर आजम ओपनिंग उतर के नीचे पांच में डाउन आ जाए, लेकिन ये एसोसिएट में होता है, बहुत ज्यादा होता है। ये ओपनर है उसको नीचे से, तो ये मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करेगा ग्लोबल क्वालिफायर, बिल्कुल खड़ी करेगा। ये डाउन्स ऐसे लगातार चेंज करते रहना, इससे प्लेयर को जो है स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। प्लेयर को एक मैच में लगेगा मुझे 15 ओवर मिले खेलने को, अगले मैच में उसे लगेगा अरे हमें तो 2 ओवर खेलने को मिले, जबकि मैंने परफॉर्म तो किया है। परफॉर्म नहीं करने के अगर नहीं किया फिर भी आप एक टूर्नामेंट में कम से कम रखिए, उसके बाद सोचिए, और मौके आपको देते रहने होंगे, और यही कहीं ना कहीं ऐसे टीम्स लगातार गलती करती हैं। एक्सपेक्टेशन मीटर की जल्दी से मैं बात कर लेता हूँ, सबसे पहले जर्सी टीम से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ 100? बिल्कुल देखिए 5 या 10, बिल्कुल नहीं और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5-10 बस। जी हाँ, और लेकिन सबसे बड़ी बात है 5-10 आपने कहा, लेकिन कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आपने कहा था कि इस टीम से ध्यान नजर रखने की जरूरत है। नजर रखना और जीतना ये अलग बात होती है, नजर रखिए, बिल्कुल रखिए, और इसको दोहरा, इसको एक साथ मत मिलाइए। सबसे पहले तो मैं ये कहने की कोशिश करूंगा, नजर रखना यानी कि परफॉर्म कैसा कर रही है, परफॉर्म करने के बाद मैंने ये तो नहीं कहा कि जीत जाएगी, जी हाँ हमने ये बिल्कुल नहीं कहा है अरे जीत जाएगी सातों के सातों में, बिल्कुल नहीं, परफॉर्म करेगी ये हमने जरूर कहा। जी हाँ, जैसे कि हम एशियन टीम्स को लेकर कहते रहते हैं, हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि एशियन टीम्स कोई सुपर 12 में कोई भी मैच नहीं जीतने वाली, परफॉर्म अच्छा करेंगी लेकिन जीत नहीं पाएंगी, और वही हुआ T20 वर्ल्ड कप, इसलिए हम फिर से कह रहे हैं जैसी परफॉर्म भले बेटर करे लेकिन मैच एट द एंड रिजल्ट सामने वाली टीम को ही जाएगा, जो कि उनसे बेटर टीम्स होंगी। यहाँ पर फिलीपींस की अगर बात करें, इनका तो मैं सोच रहा हूँ जब आपने जर्सी को पांच दस दिया है तो आप इनको कितना देने वाले हैं, सिर्फ एक मैच हुआ है, क्या हम इस पे इनको आकलन करना चाहिए हम या इसको स्किप करना चाहिए? नहीं, स्किप करिए क्योंकि नहीं दे सकते। जी हाँ बिल्कुल, ये उनके लिए भी गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। चलिए कनाडा की बात कर ले, इनकी तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है क्रिकेट में, ऑलरेडी काफी क्रिकेट ये टीम खेल चुकी है, काफी सेटबैक भी हो चुका है इस टीम का। इस टीम से अब आपको कितनी उम्मीद है जो कि अमेरिका क्वालिफायर थे सेकंड नंबर पे थी? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर आ गए हैं टीम में, देखना होगा कैसे परफॉर्म करेंगे, तो 40-45 जरूर बचता है, फिर भी बहुत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर बताइए क्या आपको लगता है इन तीन टीमों में से कोई भी सरप्राइज कर सकती है या फिर नहीं कर सकती, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर इसकी राय रखिए। और आप हमारी बातों से सहमत है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिए, इतना ही काफी होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप जिन्होंने हमारे वीडियो को लगातार देख लेकिन सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, सपोर्ट प्लीज बनाए रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, और ग्लोबल क्वालिफायर्स की हमारी जो प्लेलिस्ट है हमने प्लेलिस्ट बना दी, उसको जाके देखिए, वहां पर आपको पता चलेगा वेन्यू के बारे में, मैचेस कहाँ कहाँ होने हैं और एक्सपेक्टेड ग्रुप्स। आप से काफी लोगों ने पूछा था कि ग्रुप्स क्या कौन कौन सी होंगी, कौन कौन सी टीम किस ग्रुप में होंगी, हमने बहुत सारी रिसर्च के बाद ही वो ग्रुप्स बनाई हैं, डिवीजन हमने ऑलरेडी कर दिया, वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर जरूर देखिए, और आपको नजर आएगा 80-90% बिल्कुल वही ग्रुप होगा जो हमने बताया आईसीसी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद भी। ये आपको अभी एहसास ना हो जब आईसीसी अनाउंस कर देगा और फिर आप मिला के देख सकते हैं ड्रिल क्रिकेट का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस।